ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर जापान दुविधा में नजर आता है। एक ओर तो कोरोना की चौथी वेव और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का दबाव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान में ओलंपिक खेलों की और कोरोना की चौथी वेव के बारे में। द गार्जियन में प्रकाशित इस समाचार के अनुसार ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए अन्य देशों के लगभग 79,000 कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे। इस संख्या में ओलंपिक अधिकारी, पत्रकार, सहायक कर्मचारी आदि शामिल हैं। अगर हम प्रतिभागियों के संबंध में बात करें तो इस खेल में भाग लेने के लिए 205 देशों के 11,091 खिलाड़ी शामिल होंगे। अब जापान के लिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि अन्य देशों से आने वाले खिलाड़ी कहीं अपने साथ कोरोना संक्रमण ना ले आए, क्योंकि कोरोना वायरस की प्रवृत्ति में लगातार परिवर्तन आता जा रहा है और यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। इस ग्राफ को देखकर साफ पता चलता है कि जापान में कोरोना के कारण हालात कितने खराब हैं। यह पहली बार है कि किसी देश में ओलंपिक आयोजनों का इतने बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। यह विज्ञापन जापान के समाचार पत्रों में आजकल अक्सर देखा जा रहा है। इस विज्ञापन में कुछ बच्चे अमेरिका के खिलाफ लाठी से लड़ने की तैयारी करते हुए दिखाए जा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि ना जापान में वैक्सीन है और ना दवा, हम कैसे कोरोना का सामना करेंगे? क्या हम लाठियों से कोरोना का सामना करेंगे? 12,57,00,000 की आबादी वाले जापान के प्रधानमंत्री योशीहिडे सुगा ने कहा है कि जनता का हित शासन की पहली प्राथमिकता है, परंतु ओलंपिक आयोजन रद्द करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही कर सकती है और यह उसका एकाधिकार है। विशेषज्ञों की माने तो महामारी के इस दौर में ओलंपिक खेलों का आयोजन खिलाड़ियों की सेहत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है और ओलंपिक आयोजन समिति के लिए यह पर्याप्त आधार है कि वह ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर जापान सरकार अपनी ओर से इन खेलों का आयोजन रद्द करती है तो उसे इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वह चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल पर ही इन खेलों का आयोजन रद्द किया जाए। आखिरी बार 1964 में जापान में इन खेलों का आयोजन किया गया था। उस दौर में जापान द्वितीय विश्व युद्ध से हुए नुकसान से उबर रहा था और इस बार भी इन खेलों का आयोजन जापान को सुनामी से हुए नुकसान और फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र से हुए नुकसान की भरपाई करने में काफी मदद करता। ओलंपिक आयोजन समिति का रवैया देखते हुए तो यही लगता है कि वह इन खेलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जापान में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ही खराब है। यह देश पूर्व में 2 बार भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है, परंतु यह कोरोना के संक्रमण को रोकने में असफल रहा है। अभी जो कोरोना का वेरिएंट जापान में देखा गया है वह E484K है। यह वर्जन बाकी विश्व में पाए जाने वाले वेरिएंट से पूरी तरह डिफरेंट है। जापान की वैक्सीनेशन की स्थिति भी बहुत ही अधिक खराब है। 3 दिन पूर्व के आंकड़े बताते हैं कि जापान में अभी 55,28,513 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज और 24,61,885 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। अगर जापान की आबादी की तुलना में बात की जाए तो पहला डोज पाने वालों की संख्या मात्र 5.5% है और दूसरा डोज पाने वाले 1.6% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। जापान में चौथी लहर ने स्थिति को बहुत गंभीर बना दिया है। जापान के 97% ICU बेड्स आज भरे हुए हैं। यहाँ की 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीमारी का आलम यह है कि डॉक्टर अब घर जाकर पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की जगह ही नहीं है। सबसे ज्यादा मौतें घर पे हो रही हैं और ऐसी स्थिति में 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य ओलंपिक का आयोजन स्थिति को और भयावह बना सकता है। जापान की 80% जनता यह नहीं चाहती कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाए, परंतु जनता के आर्थिक हितों को मद्देनजर रखकर शासन इन खेलों को रद्द नहीं कर पा रहा है।
जापान के राजनयिकों की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। एक तरफ तो उन्हें अपनी आबादी के प्राणों की रक्षा करनी है और दूसरी ओर उन्हें जनता के आर्थिक हितों का संरक्षण भी करना है। अब यह देखना है कि जापान की स्थिति को देखते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या फैसला लेती है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।